हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फाई प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़, #डू मोर विद टीपर। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं ये जो क्रिप्टो करेंसी की एक कैटेगरी है गैस टोकन्स की, यानी ऐसे टोकन्स जो कि अपनी रिस्पेक्टिव ब्लॉक चेन्स के ऊपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करने के काम आते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो पिछले 2 महीनों से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इनका जो प्राइस है और इनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से ये जो इथेरियम नेटवर्क है उसके ऊपर कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो गई है। इसीलिए जो लोग हैं वो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग जो है इजीली जो है अपनी ट्रांजेक्शन विद लो कॉस्ट कर पाएँ। इसीलिए इन अल्टरनेटिव्स ब्लॉक चेन्स के जो रिस्पेक्टिव गैस टोकन्स हैं उनकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैस टोकन, ओंटोलॉजी गैस टोकन एंड वीथोर टोकन। अगर हम कॉइन टेलीग्राफ मार्केट और ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखें तो फेबररी 1 से लेकर अभी तक ये जो तीनों टोकन्स हैं, गैस टोकन, ओंटोलॉजी गैस टोकन और वीथोर टोकन, इनकी जो वैल्यू है वो 300% इंक्रीज़ हुई है। अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले टोकन VTHO यानी वी थोर टोकन के बारे में। ये जो टोकन है वो वी चेन थोर पब्लिक ब्लॉकचेन का टोकन है और इस पब्लिक ब्लॉकचेन के दो टोकन हैं, पहला है वी थोर टोकन एंड दूसरा है वेट। और वेट वी थोर टोकन जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट होती हैं वो पे करने के काम आता है। ये जो है वो एक VIP 180 स्टैंडर्ड टोकन है। जो भी यूज़र इस पब्लिक ब्लॉक चेन के ऊपर अगर वेट टोकन होल्ड करता है तो उसको जो है एज अ रिवॉर्ड के अंदर वी थोर टोकन जो है वो दिए जाते हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है फ्रॉम 1.6% टू 1.9%। अगर हम पिछले महीने का डाटा देखें तो फेब्रवरी 1 को इसकी जो वैल्यू थी वो अबाउट $0.0012 के आसपास चल रही थी और अभी फेब्रवरी 13 की इसकी जो वैल्यू है वो अबाउट $0.008 के आसपास पहुंच गई थी। तो हम देख सकते हैं कि 12 दिनों के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो अबाउट 600% चली गई थी और इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो अबाउट $0.01 के आसपास चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि महीने के अंदर ही इसकी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और हम देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है इथेरियम नेटवर्क के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसके नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जिसकी वजह से ये जो वीथोर टोकन है उसकी वैल्यू और भी इंक्रीज़ हो जाए। हमारा सेकंड टोकन है गैस टोकन। ये जो टोकन है वो नियो प्रोजेक्ट का टोकन है और इस ब्लॉकचेन के दो टोकन हैं, पहला है नियो और दूसरा है गैस। और गैस टोकन जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो पे करने के काम आता है और जो भी लोग इस ब्लॉकचेन के ऊपर नियो टोकन को होल्ड करते हैं उन्हें एज अ रिवॉर्ड के अंदर जो है गैस टोकन दिए जाते हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अबाउट 1.6% है। अगर हम पिछले महीने का डाटा देखें तो फेब्रवरी 1 को इसकी जो वैल्यू थी वो अबाउट $1.5 के आसपास थी और फेब्रवरी 21 को इसकी जो वैल्यू है वो अबाउट $15 तक पहुंच गई थी। तो हम देख सकते हैं कि महज 20 दिनों के अंदर ही इसकी जो वैल्यू है $14 जो है वो इंक्रीज हुई है और इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी अबाउट $1.5 मिलियन तक पहुँच गई थी। और ये सारा इंक्रीमेंट तब हुआ था जब तो इथेरियम नेटवर्क था काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था अपने नेटवर्क के ऊपर कंजेशन इंक्रीज़ होने की वजह से और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होने की वजह से। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नियो ब्लॉकचेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नियो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंड कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो जिससे की वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका जो गैस टोकन है उसकी वैल्यू, इसके ऊपर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। हमारा थर्ड टोकन है ONG। ये जो है ट्रांजैक्शन टोकन है ओंटोलॉजी ब्लॉकचेन का और इस ब्लॉकचेन के दो टोकन है, पहला है ONT और दूसरा है ONG। ONG टोकन जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस जो है वो पे करने के काम आता है और जो भी पीपल जो है पर्सन जो है इस ब्लॉकचेन के ऊपर अगर ONT होल्ड करता है तो उसको जो है एज अ रिवॉर्ड में जो है ONG टोकन जो है वो दिए जाते हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अबाउट 8% है।
और अगर हम इसके पिछले महीने का डाटा देखें तो फेब्रवरी 1 को इसकी जो वैल्यू थी वो अबाउट 0.19 डॉलर्स के आसपास चल रही थी, और फेब्रवरी 21 को इसकी जो वैल्यू है वो अबाउट 1.1 डॉलर तक पहुँच गई थी। तो इसकी वैल्यू के अंदर जो है अबाउट 500% का जो है इंक्रीमेंट देखा गया था सिर्फ 20 दिनों के अंदर। वही टाइम पीरियड था जिसके अंदर जो इथेरियम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था अपने कंजेशन इंक्रीज होने की वजह से और अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ओंटोलॉजी ब्लॉकचेन है उसकी लगभग जो सारी ट्रांजेक्शन है वो ONG टोकन के ऊपर जो है रिलाई करती है। इसीलिए जैसे ही अभी देख सकते हैं कि जो ONT ब्लॉकचेन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो ONG गैस टोकन है इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अगर आप लोगों को इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstree.in पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनस्ट्रीट। थैंक यू।